हेलो फ्रेंड्स, यूनिक इंस्टीट्यूट वेलकम यू। टुडे आई विल गिव यू न्यू वीडियो ऑफ वीडियो सेशन। आज वोकैबुलरी में मैं आपको नया वीडियो देने जा रहा हूँ, और ये वोकैबुलरी सेशन है, ये ना रुकने वाला निरंतर सेशन है, क्योंकि आप जानते हैं जितने शब्द सीखें उतने कम हैं। तो आइए आज का हम अपना पहला वर्ड देखते हैं, एज सून एज। एज सून एज क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला चोर भाग गया। एज सून एज आई ओपन द डोर द थीप रन अवे। उसके बाद आता है फ्रेंड एज मच एज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो, जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके आप खेलिए। अगला वर्ड है फ्रेंड्स कंफर्टेबली। कंफर्टेबली मीन्स क्या होता है? आसानी से, आराम पूर्वक। जैसे मैं आपसे कहता हूँ सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठिएगा, प्ले कंफर्टेबली, आराम से खेलिएगा। इसी प्रकार अगला वर्ड आता है हमारा समवन और द अदर। इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कोई ना कोई, समवन और द अदर, कोई ना कोई। हमने बोला कि समवन और द अदर स्पीक इंग्लिश। फिर एक और वर्ड आता है अपना शम्बियर और द अदर, कहीं ना कहीं। शम्बियर और द अदर, कहीं ना कहीं। समटाइम और द अदर, किसी ना किसी समय। जैसे हम बोलते हैं ना वेन एवर, कभी भी, इसी प्रकार आ जाएगा समटाइम और द अदर, कभी ना कभी। इसी प्रकार हो जाएगा समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ, मतलब समथिंग और द अदर। जैसे आप मेरे घर आए और मैंने कहा आपसे कि चाय लीजिए, आपने कहा नहीं, मैंने कहा कॉफ़ी पी लीजिए, आपने कहा नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक समथिंग और द अदर। तो वहाँ पर हम अगला वर्ड है विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से। जैसे कि आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, आई गॉट गवर्नमेंट जॉब विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। ही सेलेक्टेड फॉर IAS विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। अगला वर्ड है फ्रेंड्स ओकेजनली। ओकेजनली मतलब होता है प्रसंगवश, संयोगवश, उसे हम क्या बोलेंगे? ओकेजनली, ठीक है। अगला वर्ड है मित्रों हमारा प्रेसियसली। प्रेसियसली मतलब होता है कीमती, प्रेसियसली होता है कीमती। द मीटिंग वॉज प्रेशियस, दिस द प्रेशियस मोमेंट फॉर मी। अगला वर्ड है फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ इसका मतलब होता है कि ओर से। ग्रीट टू योर फादर ऑन बिहाफ ऑफ मी, अपने पिताजी को मेरी ओर से नमस्ते कहिए, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ मी, अंडरस्टैंड। इन केश ऑफ, इन केश ऑफ की दशा में, इन केश ऑफ की दशा में। जैसे हम कहें कि कीप अम्ब्रेला इन केश ऑफ रेन, गो विथ अम्ब्रेला इन केश ऑफ रेन, मतलब छाते के साथ जाइए, हो सकता है बारिश हो जाए, या पानी की दशा में छाते के साथ जाइए, इन केश ऑफ, अंडरस्टैंड। एक्सेप्ट के अतिरिक्त, जैसे हम कहते हैं ना एक्सेप्ट यू, जैसे हम कहते हैं एक्सेप्ट ऑल पीपल, सभी लोगों को छोड़कर। जैसे कि ऑल मेम्बर आर हार्ड वर्कर एक्सेप्ट माई यंगर ब्रदर, ऑल पीपल आर इंटेलिजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर सभी विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक और वर्ड आता है विलिंगली। विलिंगली होता है इच्छा से, और इसलिए कहते हैं ना व्हेन हार्ट विलिंग इट विल फाइंड थाउजेंड वेज, व्हेन इट इज अनविलिंग इट विल फाइंड थाउजेंड एक्सक्यूजेस। जब दिल से इच्छा होती है तो हजारों रास्ते मिल जाते हैं, और जब दिल से इच्छा नहीं होती तो हजारों बहाने मिल जाते हैं। तो हम विलिंगली को क्या बोलेंगे? इच्छा से, ठीक है। फिर हमारा आता है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली क्या होता है फ्रेंड? एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ऑल राइट भी होता है राइट, ठीक है, मैं ठीक हूँ। ऐसे और भी मैं बहुत सारे वर्ड बताऊँगा, एक्चुअली ये एटीट्यूड मार्कर में आते हैं, प्रतिष्ठा के चिन्ह में। अगला वर्ड है हमारा एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे कोई हमसे कहता है तो हम बोलते हैं एग्जैक्टली, हाँ ऑफकोर्स, ठीक है। फिर हमारा वर्ड आता है सो वॉट, तो क्या। जब हम एक फिल्म, आपने देखा होगा फिल्म का डायलॉग है, वो कहती है एक्ट्रेस, पता है शेखर मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, तो शेखर बोलता है सो वॉट, मैंने तो नहीं कहा था वेट करने के लिए। एक वर्ड है फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर एवर हमेशा के लिए, जैसे कि आई लाइक यू फॉर एवर, आई मिस यू फॉर एवर, आई रिस्पेक्ट यू फॉर एवर, मैं हमेशा आपका रिस्पेक्ट करूँगा, आई रिस्पेक्ट यू फॉर एवर, अंडरस्टैंड। एक और वर्ड आता है हमारा मीनवाइल। मीनवाइल होता है इसी बीच, जैसे कि ही वॉज वॉचिंग टीवी मीनवाइल फादर केम, वह टीवी देख रहा था इसी बीच पापा आ गए, मीनवाइल, अंडरस्टैंड। तो मीनवाइल हो गया। इन रिटर्न ऑफ,
अगला वर्ड है फ्रेंड्स इन रिटर्न ऑफ के बदले में। गिव मी योर मोबाइल इन रिटर्न ऑफ माई टैब, मेरे टैब के बदले में आपका मोबाइल दे दो, टैबलेट के बदले में। गिव मी 5000 रुपी इन रिटर्न ऑफ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल के बदले में 5000 रुपये मुझे दे दो। एनी प्रॉब्लम? इस प्रकार आपको जो है वोकैबलरी आना चाहिए। वोकैबलरी का हमारा सेशन चलता रहेगा, मैं आपको कंटिन्यू वोकैबलरी दूंगा, बशर्ते कि आप याद करें और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।